हेलो अच्छा फोर्थ नंबर का फूड है आर्यन गैरेज का। आए ओ भग रहा है। तो चलो अपने पक के लिए हमने नशा भी ले लिया, ठीक है। तुम देखो मतलब भाई यहाँ पे टॉक के लिए स्पेशली परफ्यूम भी रख रहे हैं। छोड़ना हाँ? फिर दोबारा टॉप पर रख देना, इसको मैजिक टॉवर कहते हैं। ओ भाई साहब तुम देखो यहाँ पे अपने पग ने फुल पॉटी कर दिया। तो यार देखो अपने आज के वीडियो में अपन अपने पग को ले आएंगे फुल, मतलब उसकी शॉपिंग लाइन, मतलब जोन सा मुझे प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा लगेगा ना, अपन सब बाय करेंगे। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ? उल्टा था, मुझे डर लगता है। तेरे हिसाब से क्या सामान लेना है इसके लिए? खाना, बेड, शैम्पू और टॉय कुछ खिलौने तो लेने पड़ेंगे। अम्मी नोटी को भी ले लेना। अच्छा नोटी के भी लेना है? नोटी के लिए भी पेडिक्योर और उसके लिए भी शैम्पू। मां नोटी का तो ग्रेवी भी खत्म हो गया है ना। हाँ ग्रेवी लेना है। और अब तो देखो मुझे सरता पता नहीं क्या, मेरी जिंदगी एकदम चेंज सी हुई। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने अपनी शॉपिंग कब करी थी। इन कुत्तों की शॉपिंग चलती रहती है यार, कभी नोटी की शॉपिंग कर रहा होता हूँ मैं, अब से इस पग के लिए भी शॉपिंग चालू होगी। तो एक इंसान जब बाप बन जाता है तो उसको क्या होता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आज लाया है मेहमान तो उसके लिए तो हंसी लेना ही पड़ेगा। मां मेहमान नहीं बेटा, चल चल जो है। तुम टाइम देख रहे हो, टाइम करीब 4:10 है, ठीक है। और अपने एक बार समझ लो 6 तो निकलना है, ठीक है। जनरली सीन क्या यार, तुम पीछे देख रहे हो मैं लैपटॉप खुला पड़ा है ना, मुझे थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी होगी। तो बस अपन 2 में एडिटिंग पूरी खत्म करेंगे, फिर अपने को निकलना होगा पक के साथ फुल शॉपिंग करने। हाँ फूड शॉपिंग गलत सी। तुम लोग टाइम देख लो, टाइम करीब 6:17 हो रहे हैं और अपन तुम देख लो यहाँ पे फुल KFC खा रहे हैं। मतलब मैंने कल रात KFC मंगाया था, तुम लोगों को पता ही है। देखो मैं जब भी मंगाता हूँ ना रात में खाता, मैं कभी भी पूरा नहीं खा पाता। तुम देख लो मेरे पास यहाँ पे है राइस बकेट, मतलब तुम लोग जानते हो देखो मुझे KFC बहुत पसंद है और इसके अंदर ये बोनलेस स्ट्रिप भी है, ठीक है, बहुत टेस्टी है। और बस यार अभी मम्मी आ रही है पप्पू को लेके और तुम लोगों ने नोटिस कर ही लो आज अपन अपनी गाड़ी जाएंगे। मम्मी ने मुझे बहुत बोलने की कोशिश करी यार, मम्मी को मन था कि अपन कैब चले। मम्मी का देखो सिंपल सा माइंडसेट होता है कि यार अपन कैब चलेंगे ना तो अपन टेंशन फ्री चलते हैं, जो कि बात भी सही है। लेकिन यार होता नहीं मैं कब तक गाड़ी से दूर रहूंगा, मतलब अपने को गाड़ी की टेंशन लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी, गाड़ी खरीदी तभी है ना। क्या बात है, तुम देख लो ये आ गया अपना पगू। हाँ फुल कपड़े के अंदर लिपटा हुआ है। करीब मुझे ना ड्राइव करते करते यार आधा घंटा से ऊपर हो गया और मैं अब देख रहा हूँ कि ना मैं आजादपुर पहुंच गया। मैं तो सोचता हूँ मेरे घर से ना आजादपुर बहुत दूर है और मम्मी को तो पता ही था कि इतना दूर आ रहा है। मम्मी की हालत खराब हो रही है। मम्मी बहुत दूर है, इतना दूर मेरा नहीं मन करता। ये बता इससे पहले कभी मम्मी आजादपुर आई है तू? पहली बार आ रही है। मजा आ रहा नहीं आ रहा? मजा साधा। मम्मी परेशान हो गई कि यार सच में इतना दूर, वो भी सिर्फ इस पग्गू के लिए खाना लेने। अभी अपन आजादपुर की रेलवे पेड़ है और यहाँ से करीब 5 का रास्ता है। और तुम देखो यहाँ पे ना पग अपना सो रहा है और कितना क्यूट लग रहा है यार, तुम देखो इसे मजे से सो रहा है। ओए क्यूट है, मुझे वोट लेके। हेलो यार तुम्हें पता कैसे मैं यहाँ पे हूँ? अच्छा अरे वो साथ में कर दो एक बार। चलो मिलते हैं, बाय। तो पहली बात तो यार भाई को मैं हेलो बोलूंगा, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया यार। भाई मैंने ये नया बाइक किया है पग, ठीक है। पहली बात तो बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ब्यूटीफुल डॉग है। हाँ जी, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड इन द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया डॉग है यार, बहुत प्यारा है, छोटू मोटू है, काफी अच्छा लगता है इसको, कहीं भी कैरी करो लेके चले जाओ। इसके लिए जो जो आइटम मतलब अपन ले सकते हैं वो मुझे सब दिखा दो और बेस्ट यार, एकदम बेस्ट क्वालिटी में। अभी तो फिलहाल ये चलेगा यार, मैं अब इसको साइड लैक दे रहा हूँ, मतलब मैंने वो नेस्ले वाला साइड लैक नहीं होता वो खिचड़ी फ्लेवर, वो मैं ला के रखा हुआ है तो उसका चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी ज्यादा है। तो ये रॉयल गन से ऊपर फूड है, अच्छा फोर्थ नंबर का फूड है आर्यन गैरेज का। ये रॉयल गन से भी अच्छा है, वो आपको 1 किलो ₹880 का पड़ता है। हाँ हाँ, ये आपको 2 किलो बल्कि 700-700 कुछ के आसपास मतलब पड़ जाएगा। अरे वाह, आपका पप्पी है इसके लिए सर, ये मीनिंग पप्पी होता है, स्मॉल ब्रीड लार्ज ब्रीड इनके लिए अलग अलग फूड है। तो तुम देखो अपन ये आर्यन गैरेज का विनिंग पप्पी फूड ले रहे हैं, ठीक है। हमने डॉग फूड लिया, ठीक है। इंडियंस की जुबान पर डॉग फूड मतलब भाई पेडिग्री, ऐसी ब्रांडिंग हो रही है। जहाँ देखो पेडिग्री के पोस्टर मिल जाएंगे, हाँ टीवी के अंदर ऐड देखोगे पेडिग्री की ऐड मिलेगी। ये तो है, अगर आपके दिमाग में सिर्फ पेडिग्री पेडिग्री कंपनी डाल देगी तो उसको पेडिग्री आपको फूड ही नहीं आता। मम्मी को तो अभी बोलना होता है ना कि भाई नोडी के लिए या पपी के लिए कुछ खाना ले, इसका जैसे होता ना दाने वाला खाना। मम्मी क्या बोलती है? मम्मी इधर देखिए क्या बोलती है मम्मी, बाबू पेडिग्री ले। आप ये बिस्किट आप ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल बिस्किट्स है, मिल्की फ्लेवर के बिस्किट्स है, आराम से पपी खा सकता है। पपी आपका एक डॉग है ना नॉडी, हाँ नॉडी, आप नॉडी को दो यार, नॉडी बिल्कुल खा सकता है। तो इसका मैं देखता हूँ किसी बात में ना आप ऐसे करो, फुल गलत डॉग फूड और बिस्किट डल गया। उसका मैं रिकमेंड करूंगा डॉग के लिए ड्राई बाथ, या हिमालय का भैया को मैं ड्राई बाथ रिकमेंड करूंगा अपने डॉग को दें। देखो तुम्हें याद आ रहा जब अपने नॉडी के लिए मतलब शॉपिंग करी ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे याद आ रही कि हाँ हिमालय का ड्राई बाथ होता है या फिर ये मतलब अपने मिल्क बिस्किट्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें मुझे रिकॉल हो रही।
एग्जाम्पल लेना इसके लिए। उनको बोल रही है? नहीं कैमरा में। ठीक है, नया बर्थ हुआ है, न्यू बेबी है। शैम्पू हमारे पास 5 कंपनियों के फ्लेवर है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर मैं फिर से भैया को ये बोलूंगा, भैया लेना हो तो ट्रस्टेड ब्रांड हिमालय का लेना, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है। ऐसा लग रहा है अपन नागपुर के ना एड शूट कर रहे हैं, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मजा आ रहा है, मुझे ऐसी बात नहीं, मजा भरपूर आ रहा है। और हिमालय किट पूरी देंगे भैया को, आ जाओ, हिमालय का पाउडर भी साथ में देंगे डॉग के लिए। अरे और इसके बाद मैं भैया को एक और चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, भैया अपने इस डॉग को दे रहे थे नेस्ले का सरल है, जो भैया जनरली अच्छा नहीं है डॉग के लिए, डॉग को लूज मोशन भी कर सकता है। देखो डॉग एक तरह से बच्चे हैं घर के, जैसे घर का फैमिली मेंबर है, वैसे आंटी जी क्यों डॉग भी हमारे घर के इतना फैमिली मेंबर है, इतना अगर कुछ होता है हमको टेंशन हो जाती है। मुझे तो यार भैया स्पेट शो वाले ने कहा था कि यार जैसे पॉक्सट होते हैं ना, पॉक्सट इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, तो नेस्ले वाला बहुत इजी डाइजेस्ट होगा। भैया पॉक्सट मत दो ना आप, इसको यू ना दे दो, पॉपी सेल रोबस्ट का दो, रोबस्ट बहुत वेल ट्रस्टेड ब्रांड है वर्ल्ड के अंदर, 100 पीस का वेट वाइप्स है, काफी लंबा चलेगा। तुम देखो क्या लिखा पड़ा है, फ्रेश एप्पल सेंट। ठीक है, जब मैं पहली बार ऐसे पेट वाइप लेके आया था ना भाई, मुझे इससे प्यार हो गया था, अलग चीज लगी मुझे कि मतलब तुम बॉडी साफ भी कर दो वो खुशबू भी छोड़ जाएगा। अच्छा तो बहुत बढ़िया, इतना मत करो भाई, ये ना मेरे लिए मोटिवेशन थी कि जब मुझे साफ करना था ना, मैं यही माइंडसेट आता था कि हाँ यार मुझे बहुत बड़ी लगती है ये चीज, तो मैं साफ कर पाऊंगा, क्योंकि भाई आपको पता है तो पेट लेके आओगे ना, मम्मी खिलाफ है, आपको कुछ करना है, तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ 40 बढ़िया चीज होती है, पेट वेट तो बहुत बढ़िया चीज होती है, तो खेलो इनमें। तुम देखो भाई अपने को यार ये वाला बॉल मतलब सजेस्ट कर रहे हैं, अब भाई को पसंद आया तो अपन डन कर रहे हैं। अरे नीचे छोड़ो इसको। हाँ छोड़ दे। तुम देखो अब आ रही है, पगू अपना नीचे फुल खेलेगा, थोड़ा एक्टिव रहेगा यार, अब मजे से घूमता रहेगा। ओहो भग रहा है। मैं तो बोलता हूँ एक अपने पग के लिए ये लेते हैं हड्डी, और यार ये मुझे थोड़ी अलग लग रही है बॉल। हाँ भैया बिल्कुल बहुत अलग बॉल है, इसके लेके जाओ, ये पहले तो फटेगी नहीं कटेगी। मुझे लगा बोलो इसको छुपा के देखो, बहुत अलग है। तो मम्मी तू बोल रही थी कि नोडी के लिए ग्रेवी लेना अपने को। भाई मुझे ग्रेवी का पूरा डब्बा चाहिए होगा। जब मैं नोडी के लिए लिया था ना ये पपी वाला, तो हम क्या करते थे मम्मी, दाने के ऊपर इसको थोड़ा सा डाल के, नशा भी ले लिया। ठीक है, बाकी आप इसके लिए परफ्यूम ले सकते हो, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस का सैंपल लगा रखा, चाहो तो इसको टेस्ट करके देख लो। अरे वाह, तुम देखो मतलब भाई यहाँ पे पेट्स के लिए मतलब डॉग के लिए स्पेशली परफ्यूम भी रख रहे हैं। ठीक है, डॉग किसी रॉयल चीज से कम नहीं है परिवार के अंदर। सही बात है, इनको रॉयल चीजों की तरह रखो, रॉयल की तरह ही पालो। लेकिन रॉयल के नहीं दिया तुमने, रॉयल के नहीं दिया, रॉयल कहना भी पीछे कंपनी नहीं आ रही, हम तो बोल रहे डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, फैक्ट्री लगा देंगे रॉयल की। पैसा बोलते क्या चाहिए? नहीं और पैसा। तो भाई ये डन है, तो देखो भाई की तरफ से रिकमेंडेड ये है, तो अपन बनाना। ठीक है, तो एक ये और एक ये, तो चलो अपन ये दो लेते हैं। लेकिन आपने एक चीज रिकमेंड नहीं किया, कंघी दे दो मुझे भाई। भैया अभी इसके लिए हेवी डॉग नहीं, नॉडी के लिए अपने को अच्छे से पक्की शॉपिंग थोड़ा 3-4 महीने बाद ही करना है। भैया करो तो सच्ची से करो, डॉग घर पे रहना है, घर से बाहर जाना नहीं है, और हम भी इधर बैठे हैं, टेंशन ना लो। हाँ। अच्छी चीज देंगे, रिकमेंड वही चीज करेंगे जो इस समय इसको जरूरत है। तो अभी मतलब जो एप्लीकेबल है इसके लिए आप वो सजेस्ट मुझे कर ही सकते। ये एडल्ट वाला ही है ना, बस यार ये अपने को नॉडी के लेना है। तो तुम देखो यहाँ पे भाई ने हमें ये एक फर ग्लो करके कंडीशनर ये सर्च कर रहे हैं, भाई ये किस चीज के लिए है? भैया ये फूड में डाल के डॉग को देना है। अच्छा, इससे क्या होगा, जो भी आपके जैसे नॉडी है, रिट्रीवर हाँ। है, सुंदर डॉग है, हेरी डॉग है, हाँ हाँ। आप उसके लिए क्या है, आप उसके हेयर बिल्कुल शाइन रहेंगे, अच्छा बने रहेंगे, और झड़ भी रहे हैं, झड़ने भी कम हो जाएगा, कम से कम रिकमेंडेड 3-4 महीने आपने इसको आंटी इसको पिलाना ही पिलाना। तो भाई ये है क्या, टॉवल होता है एक तरीके का। अच्छा, ये आप टच करो स्टफ को, कितना हार्ड है, लग रहा है पापड़ पड़ा हुआ है। ओ भाई ये तो पापड़ से भी हार्ड लग रहा है। आपका डॉग नहा के बाहर आएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे के ऐसे डॉग के ऊपर बिछा देना। अच्छा, आपके डॉग का सारा पानी खींच लेगा। ओ भाई साहब, आराम से आप निचोड़ना, हाँ? फिर दोबारा डॉग पर रख देना, इसको मैजिक टॉवल कहते हैं। अरे वाह, मतलब देखो ये काफी अलग चीज है। ठीक है, तो भाई इस चीज के लिए तो मैं देखो भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगा। तुम लोग जानते हो देखो मुझे ना यूनिक चीजें बहुत पसंद आती है, जरा मुझे कमेंट्स बताना कि तुम लोगों का ये मैजिक टॉवल कैसा लग रहा है। ठीक है, ओ भाई साहब तुम देखो यहाँ पे अपने पग ने फुल पॉटी कर दी है। सॉरी यार, अपना पग थोड़ा ऐसा ही है, डॉग है इसलिए। क्या बोल रहे हो, अगर तू कर दे तो माफ नहीं है।
तो देखो यहाँ पे ना मैं नॉडी के लिए एक ये ले रहा हूँ हर्टी रोल करके, और एक भाई मुझे बोल रहे हैं ये चीज, ये है भाई का डॉग, ठीक है, ब्रिटिश बुलडॉग। और तुम देखो कितना हाई ऐसा लग रहा है गुस्से में अपन। भैया कॉलोनी में घूमता है, कहीं भी घूमता है, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। एक बार क्या हुआ था, हम लोग चले गए थे बाहर, हमने अपने मेड के घर इसको पहुंचा दिया था। आप मानोगे नहीं, लोग कहाँ से हमारी मेड बोलती थी कि इसकी लोग फोटो खिंचवाने इसके साथ आते थे। अच्छा, तो और तुम देखो ये सारा सामान अपन ने डन कर दिया, ठीक है, उसमें सारा मतलब फूड टॉय सब कुछ है, और ये अपनी पेडिग्री नॉडी के लिए। माँ चले फिर, चलो और तुम पब्लिक को देख लो। हाँ तो भाई जरा पब्लिक को दो कि यार किसी को भी अगर आपसे मतलब ये पेट फूड या कुछ भी ऐसा सामान ले रहा है, कैसे कॉन्टैक्ट करें आप? सर शॉप का नाम है हमारी स्टार्क पेट हब, आप गूगल पे जाकर सर्च करिएगा स्टार्क पेट हब के नाम से, प्रॉपर हमारे शॉप की डिटेल मिल जाएगी, फोन नंबर मिल जाएगा। बट स्टिल आपको एड्रेस बता दूं, SBI कॉलोनी प्लॉट नंबर 1 स्टेट बैंक कॉलोनी नियर नानक प्यो गुरुद्वारा। भैया के रेफरेंस से आओगे तो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में आपको दे दूंगा। यार मैं पूरी गूगल मैप्स की ना लोकेशन डाल दूंगा, ठीक है भाई, पूरा अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया। नॉडी नॉडी माय बॉय, तुम देखो फुल फुल एनर्जेटिक है, मैं मिस कर रहा हूं ये। हां इतने से कर रहा। ओ नॉडी हां नॉडी नॉडी बहुत नाखून लग रहे, बोलती है इसको यार, वो भाई सब ले भाई ले ले नॉडी, और ये बहुत तेज नाखून लग रहे मम्मी। उधर मचाता है तो पक देखो, उधर छुप जाता है ऐसे। तुम देखो ये नॉडी का स्पिनच वाला ट्रीट, ठीक है, ले नॉडी ले ट्रीट का, गुड बॉय। देख लो मतलब करीब 4.5 घंटे हो गए अपने घर से बाहर निकले हुए माँ, लेकिन अब अच्छा लगा ना इनका सारा सामान लाके। पता नहीं क्यों, देखो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं अपने कुत्तों की फुल शॉपिंग करता ना, ऐसा था कि मैं हाँ 1-2 महीने तक का कोटा पूरा हो गया, ये आराम से खुशी खुशी रह सकते। तो चलो अपन इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखो वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो यार प्लीज लाइक मार दो, मतलब तुम्हारा लाइक के सपोर्ट से मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ सबसे मेन चीज देखो कमेंट करना बढ़िया बढ़िया, तुम्हें जोन सा पार्ट इस वीडियो में अच्छा लगा कमेंट जरूरी हो। हाँ आधे घंटे स्क्रीन अभी भी ऑन है, पहले आधे घंटे जितने कमेंट आएंगे सबको अपन रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ सबसे मेन चीज देखो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब 1 मिलियन पे माँ क्या आने वाले गाना, यार मैं सही बता रहा हूँ जब तक 1 मिलियन होम लेना तब मैं डेली बोलता रहूंगा, तो तुम्हें ना ये झेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम नहीं झेल पा रहे तो फटाफट भाई की 1 मिलियन सब्सक्राइब कराओ, जब तक नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हें फुल परेशान ही करता रहूंगा। तो भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइब कराओ, गाना आएगा केड़ा। तो यार मैं मास्टर बटर मिलता हूँ आपसे अगले में, तब तक के लिए गुड बाय। दे चिंगारी ना केड़ा भाई केड़ो केड़ो सीने सीन केड़ा केड़ा सीने 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 ए सीन केड़ा केड़ा सीने 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 सीने। भैया आपको कभी भी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ।